नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाएंगे कृष्ण जन्माष्टमी के लिए 5 अलग अलग तरह के भोग के प्रसाद। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए मखाने, चीनी, काजू, किशमिश, बादाम, घिसी हुई नारियल, कटी हुई नारियल, धनिया पाउडर, खरबूजे के बीज, पिस्ता, शहद, दूध, दही, केला, एप्पल, इलायची। सबसे पहले हम बनाएंगे मेवा पाक। हमारी कढ़ाई गरम हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच घी, मखाने मखाने को हम 2 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। 2 मिनट हो गई है, अब हम मखाने को उतार लेंगे। अब हम इसी कढ़ाई में डालेंगे वापस से आधी चम्मच घी। कटी हुई नारियल, कटी हुई बादाम, काजू, खरबूजे के बीज। अब हम इसे अच्छी तरह रोस्ट कर लेंगे। हमारे ड्राई फ्रूट्स भून चुके हैं, अब हम उतार लेंगे किसी बर्तन में। घिसी हुई नारियल, नारियल को भी हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। हमारे नारियल भून चुके हैं, अब हम इसे भी उतार लेंगे। इसमें डालेंगे चीनी। मैंने यहाँ पे 2 कप चीनी लिए है, आधी कप पानी, कुटी हुई इलायची, आप चाहे तो इलायची पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। इसे मिला लेंगे अच्छी तरह। हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह मिल चुका है, अब हम इसे किसी बर्तन में उतार लेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह सेट कर लेंगे। अब हम इसे 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। हमारी पंचमेवा बिल्कुल तैयार है, अब हम इसे मनचाहे आकार में कट कर लेंगे। हमारी पंचमेवा बिल्कुल तैयार है, आप चाहे तो इसे किसी भी आकार में काट सकते हैं। अब हम बनाएंगे धनिया के पंजरी। इसके लिए मैंने 1 कप धनिया का पाउडर का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो साबुत धनिया को पीस कर उसका भी पाउडर बना सकते हैं। 1 कप घिसी हुई नारियल, बूरा, काजू, किशमिश, बादाम, खरबूजे का बीज, पिस्ता, मखाने। हमारे पैन गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। घी गर्म हो गई है, अब हम इसमें डालेंगे मखाने। मखाने को 2 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। हमारे मखाने हो गए हैं, अब हम इसे उतार लेंगे। इसी पैन में हम नारियल को भी भून लेंगे। हमारे नारियल बिल्कुल हो गए हैं, हम इसे भी उतार लेंगे। अब हम इसी कढ़ाई में फिर से डालेंगे आधी चम्मच घी। पांच सात काजू, बादाम, खरबूजे के बीज, अब हम इसे भी हल्का सा भून लेंगे। किशमिश,
किशमिश बहुत जल्दी पक जाते हैं, इसलिए किशमिश को सबसे लास्ट में डालेंगे। हमारे ड्राई फ्रूट्स भून चुके हैं, अब हम उतार लेंगे। अब हम डालेंगे आधी चम्मच घी, धनिया पाउडर। धनिया पाउडर को हम हल्के से भून लेंगे। अब देख सकते हैं हमारे धनिया के पाउडर का कलर बिल्कुल चेंज हो गई है। अब हम इसे उतार लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बूरा। आप चीनी का पाउडर बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम पंजीरी को अच्छी तरह मिला लेंगे। हमारे धनिया के पंजीरी बिल्कुल तैयार है। हमारी कढ़ाई गर्म हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे घी, मखाने। मखाने को हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। हमारे मखाना भून चुके हैं, अब हम इसे उतार लेंगे। अब हम इसी कढ़ाई में थोड़ा सा और घी डाल देंगे, काजू, बादाम, किशमिश। अब हम ड्राई फ्रूट्स को भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। हमारा ड्राई फ्रूट्स भून चुका है, अब हम इन्हें उतार लेंगे। इसी कढ़ाई में हम नारियल को भी भून लेंगे। हमारा नारियल भी हो चुका है, अब हम इसे भी उतार लेंगे। अब हम इसी कढ़ाई में डालेंगे दूध। मैंने यहाँ पे आधी किलो दूध लिए है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। दूध को थोड़ी देर के लिए बॉयल होने देते हैं। हमारे दूध में उबाल आ चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स व मखाने। मिला देंगे। अब हम इसमें डालेंगे चीनी, कुटी हुई इलायची, आप चाहे तो इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा खीर बिल्कुल तैयार है, अब हम इसे उतार लेंगे। एक कप दूध, मैंने यहाँ पे कच्चा दूध का इस्तेमाल किया है और कच्चा दूध ही लेना चाहिए। एक कप दही, दही घर पे बना हुआ है, गंगा जल, एक चम्मच शहद, दो चम्मच चीनी, आधे चम्मच घी। अब हम इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। तुलसी का पत्ता। हमारी पंचामृत बिल्कुल तैयार है। अब हम मक्खन मिश्री को मिला लेंगे। ये मेरी घर पे बनाई हुई फ्रेश मक्खन है, इसमें कोई नमक वगैरह नहीं है।